अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसलाबाद में हूँ अपनी सिस्टर के घर, और मैं उनकी ग्रॉसरी ये बहुत शौक से मैं देख रही हूँ पाकिस्तान में आकर। मेरी सिस्टर बना रही है बच्चों के लिए बर्गर, और ये सब चीज़ें ऐसे पाकिस्तान की वैरायटी मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इनके घर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रुकी हूँ, मुझे फैसलाबाद में कुछ शॉपिंग करनी थी, लेकिन जब मैं आ गई हूँ तो बहुत दिल था अपनी सिस्टर से भी मैं मिल सकूँ। बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से साथ आना इनका मुश्किल था। फैसलाबाद में कोहिनूर प्लाज़ा की तरफ हम जा रहे हैं, और यहाँ पर आपको किचन की क्रॉकरी से लेकर बर्तन, ग्रॉसरी, सब चीज़ें, ड्रेसेस, आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। और ऐसे नहीं है कि जैसे बहुत दूर चीज़ें हों। मैं किचन में यूज़ करती हूँ सोनेक्स की वाइट कढ़ाई, जो कि ये अलफते स्टोर से ली है, और प्राइस बहुत मुनासिब है, 1500 से शुरू होकर 3000 तक। पार्किंग के बिल्कुल सामने ही ये बहुत बड़ा क्रॉकरी स्टोर था, और यहाँ पर मुझे ये पतीले, हॉट पॉट और वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि आपको टाइम चाहिए सिर्फ देखने के लिए, फिर आप डिसाइड करें। बाहर के मुल्कों से जब हम अपने मुल्क में जाते हैं, लेडीज़ को सबसे ज़्यादा जो शौक़ होता है वो है ड्रेसेस, गोल्ड, किचन क्रॉकरी। ये मैंने जो पतीले देखे चले जाते हैं काफ़ी टाइम तक, इनकी एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। जैसे अगर हमने खाना बना लिया तो खाना जब हम निकाल लेते हैं या बंद कर देते हैं उसमें, वो पतीला भी काफ़ी देर तक गर्म रहता है। अगर हम उससे खाना निकाल लेते हैं तो फिर उसको आप फौरन वॉश कर दें, या उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के रख दें, जिससे कि जो पैन है वो ज़्यादा हीट में नहीं रहेगा। ये हॉट पॉट मुझे बहुत पसंद आए। ये कॉपर के जो हॉट पॉट हैं ये 6000 से स्टार्ट हो रहे हैं, 6000, 700, 800 ऐसे ये थे। और फिर एक ये अच्छा लगा जिसकी लिड है ग्लास की, ये भी हॉट पॉट है। जो फूड है वो आप देख सकते हैं इसमें। ये दोनों मुझे जो स्टाइल हैं ये नए लगे हैं, बाकी भी अच्छे हैं। बस इसका आप ये ख्याल रखें, चेक करें कि जो इसको ओपन और क्लोज़ है, इसको होल्ड करना है अगर ट्रैवल करना है तो फिर आपके लिए आसानी हो। बहुत प्यारे कलर आ गए हैं पैन में, मैरून, पर्पल, ब्लैक, स्किन, बहुत ज़्यादा वैरायटी और बहुत ही खूबसूरत कलर है। प्रेशर कुकर, और फिर ये है कि ये ग्रिल पैन। ये देखें, ये प्रेशर कुकर, ये भी बटन का स्टाइल है, जैसे कि मेरे पास और ब्रांड में ऑस्ट्रेलिया में है। सिल्वर स्टील, इसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और ये वाली जो शेप थी ये दाल बनाने के लिए बहुत अच्छी है। रोटी, नान, इन सब के लिए मैं ये देख रही हूँ, और ये मैंने ऑस्ट्रेलिया लेकर जाने हैं। प्राइसेस की है 250 रुपीज़ या 300, ऐसे 3 से 4 डॉलर के बीच में। अच्छे लगे हैं मुझे कलर, मैं लाइट देख रही हूँ, मुझे ज़रा लाइट कलर पसंद है, ज़्यादा इसमें डार्क भी थे।
ऐसे खाना हम सर्व करते हैं तो ये रोटी के लिए बहुत अच्छा है और मैं अक्सर इसको यूज़ करती हूँ। मैंने अपने शॉर्ट टाइम में पाकिस्तान में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं मैं कोशिश करती हूँ मैं जहाँ जाऊँ तो मैं उसको आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। विंटर का सीज़न है पाकिस्तान में, समर में थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, तो विंटर में अगर आप एक दिन में काफ़ी काम रखेंगे तो वो ज़्यादा मुश्किल होगी। आसानी से सुकून के साथ पैसे आपके लगने हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती तो नहीं है, लेकिन जब आप इन चीज़ों को देख रहे हैं तो अगर आप अपने पैसे लगा रहे हैं तो सोच समझ कर सारी चीज़ें पहले सारे स्टोर देख लें, अपना बजट देख लें, फिर उसके बाद आप जाकर देखें हमारी ज़रूरत क्या है। बहुत ज़्यादा जो है कि लोगों का जो दिल है, हमारा दिल है, हम देखकर वैसे भी खुश होते हैं, हमें क्रॉकरी पसंद आती है, ड्रेसेस पसंद आती हैं, फिर हम ये चीज़ें लेते हैं। ये सब डिनर सेट पाकिस्तान में जब आप अपनी शॉपिंग करते हैं, कुछ चीज़ें लेते हैं, फैमिली का पास में होना माशाल्लाह बहुत ब्लेसिंग है, माँ बाप दुआ देते हैं। अब हमारा एक टाइम है हम अपने माँ बाप को अपने साथ रखें। साथ मतलब आप शॉपिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ें ले रहे हैं, तो उससे ये होगा उनका दिल खुश होगा, वो आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको और देगा। ये है पाकिस्तान का 5,000 का नोट, फिर 1,000 का है, 500 का है, 50 का है, 10 का है, 20 का है। तो मैं खुद ऐसे काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान की करेंसी होल्ड कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। ATM से जब हम पैसे निकालते हैं तो 1,000 के नोट और 500 के आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर चेंज रखना बहुत ज़रूरी है। आप पाकिस्तान आने से पहले अरेंज कर सकते हैं अपनी फैमिली को कहकर, वो बैंक से ले सकते हैं कॉपी आपके लिए, तो जो चेंज है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप बाद में अपनी फैमिली को पे कर दें। पाकिस्तान में विंटर का सीज़न ख़त्म हो रहा है, ये मारिया बी के ड्रेसेस हैं। विंटर के जो ड्रेसेस थे उन पर जो 50% ऑफ, 45, 35, विंटर के ड्रेसेस में 40, 50, 35% ऑफ के सब ड्रेसेस इनके पास ख़त्म थे, सिर्फ इनके पास 10 और 20% थे और यही भी डिज़ाइन है। अब इतने परसेंट के बाद भी जो ड्रेस है वो 8,000, 7,000 जो ये कलेक्शन रह गई है वो ऐसे ही मिलेंगे। अपने माँ बाप के साथ सफ़र करना बहुत ही ज़्यादा एक बरकत है, उनका ज़रूर ख्याल रखें। जब एक यंग बंदा सफ़र करता है वो और चीज़ होती है, बुज़ुर्गों के साथ जब हम सफ़र करते हैं बेहतर है काम कम करें, उनका ख्याल ज़्यादा रखें, जब उनको टाइम दें फिर मुकम्मल उनको टाइम दें। अब हम जाएंगे घर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।